नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। इस वीडियो को आपने देखा, एक पल तो आपको एहसास हो रहा होगा कि कोई अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष में है, कोई यात्री है जो चांद पर है। किस तरह संभल संभल कर उसे चलना पड़ रहा है, संभल संभल कर उसे कदम रखने पड़ रहे हैं, उसकी राह आसान नहीं है। जी हाँ, यह कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं है, ना यह व्यक्ति अंतरिक्ष में है, ना चांद पर है। यह व्यक्ति कानपुर की सड़कों पर है। कानपुर की सड़क ऐसी बदहाल है कि जिस पर उसे चलना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, और वह बहुत संभल संभल कर कदम रख रहा है। कानपुर के हालातों को, उसकी दशा और दिशा को बयां करने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को भले ही टेक्नोलॉजी का कमाल कहा जाए या इसे ऑडिटेड कहा जाए, लेकिन यह वीडियो कहीं ना कहीं कानपुर की वास्तविक स्थिति से रूबरू कराता है। 1 मिनट 4 सेकंड का करीब यह वीडियो सोशल मीडिया की दुनिया में, सोशल मीडिया वर्ल्ड में यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। एक बार आप फिर इस वीडियो को देखें और गहन चिंतन करें कि क्या यह वास्तव में किसी दुष्कर रास्तों से कम है। कानपुर की दशा और दिशा को बयां करने वाला यह वीडियो सरकार से लेकर नौकर साह तक सबके मुंह पर एक कड़ा तमाचा है कि ऐसी बदहाल स्थिति आखिर क्यों। और खास यह है कि यह बदहाल स्थिति उत्तर प्रदेश के औद्योगिक महानगर कानपुर की है। इस वीडियो को एक बार फिर आप देखिए और चिंतन कीजिए। आपने देखा कि इस वीडियो में जो व्यक्ति है वो किस तरह से संभल संभल कर कदम रख रहा है, जैसे वो चांद पर चल रहा हो, अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा हो, अंतरिक्ष में कहीं हो, जो इस देश दुनिया से अलग कहीं है। साफ जाहिर है कि उसके एक्टिविटीज से, उसके चलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर कहीं जरा सी भी असावधानी हुई तो उसके साथ कहीं कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बेहद शर्मनाक है कानपुर में जो हालात हैं। भले ही यह सड़क किसी भी विभाग की हो,
चाहे लोक निर्माण विभाग की हो, चाहे कानपुर विकास प्राधिकरण की हो, चाहे कानपुर नगर निगम की हो, इसमें किसी को भी यह कहकर किनारा करने की स्थिति नहीं है कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सभी विभागों के अफसर इस शहर में रहते हैं और शहर की सड़कों पर वह निकलते हैं। ऐसी बदहाल दशा में क्या उनको चिंतित नहीं होना चाहिए, या एक बड़ा सवाल उठता है। चाहे वह जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, या शासन का कोई बड़ा अफसर हो, इस शहर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े कार्यालय हैं, जिसमें बुंदेलखंड का भी क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर में ही है। इसके बावजूद कानपुर की यह दशा बता रहा है, या स्थिति बता रही है कि उनको, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो, नौकरशाह हो, शासन हो, सरकार हो, उनको कानपुर के आम नागरिकों की दशा और दिशा, यानी उनकी बदहाली, उनके सामने आ रही समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर अफसरों को हिदायत देते हैं कि समस्याओं का, शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर हो। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से समस्याओं का, शिकायतों का निस्तारण नहीं होता है? इसी के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर के एक फोटो को ट्वीट किया है। यह फोटो कानपुर महानगर के एक बड़े इलाके की है, जिसे कररही कहा जाता है। बर्रा और कररही आपस में जुड़े हुए हैं। कररही का यह मुख्य मार्ग, जिससे लाखों लोग प्रतिदिन गुजरते हैं, भारी यातायात रहता है, और यह सड़क, अब इसे सड़क कहें या गड्ढों वाली सड़क कहें या गड्ढों में सड़क कहें या सड़क में गड्ढे कहें, क्या कहें, यह तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस सड़क पर चौतरफा जलभराव, गड्ढे, बदहाली, बद इंतजामी, बहुत कुछ दिख रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय स्थिति बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है। सपा शासन काल में भी बदहाली थी, बद इंतजामी थी, और आम नागरिकों को समस्याओं से जूझना पड़ता था। लेकिन उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी ने समाजवादी पार्टी को दरकिनार कर आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? शायद इसीलिए चुना था कि उसे बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर सामाजिक सेवाएं, सुविधाएं बेहतर होंगी। बहुत कुछ सोचकर सत्ता परिवर्तन देश की, प्रदेश की जनता ने किया था। आज वह उत्तर प्रदेश की जनता, आम आवाम, खुद को ठगासा महसूस कर रही होगी कि क्या आखिर इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने चुना था। यह एक गंभीर विषय है। बात चाहे स्ट्रीट लाइट की हो, साफ सफाई की हो, कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में एक खास अहमियत रखता है। उत्तर प्रदेश का यह शहर यानी कानपुर अवैध विज्ञापन होर्डिंग से, पोस्टर से, बैनर से, स्टिकर से पूरा पटा हुआ है। कोई सड़क और कोई सड़क किनारा शायद ही उसे साफ सुथरा मिले जहां अवैध होर्डिंग, अवैध विज्ञापन, अवैध पोस्टर ना लगे हों। लेकिन अफसरों की बला से उनको, शायद उनकी यह ड्यूटी नहीं है कि शहर को साफ सुथरा रखें, अवैध पोस्टर, बैनर, होर्डिंग को वह हटाएं, शायद उनका यह उत्तरदायित्व तो नहीं है। कररही की जो, जिस सड़क को सपा व अन्य लोगों ने ट्वीट किया, या यूं कहें कि सोशल मीडिया पर यह सड़क दिख रही है, आप भी इस सड़क को देखिए और खुद सहज अनुमान लगाइए, क्या यह एक स्मार्ट सिटी की सड़क हो सकती है? कानपुर स्मार्ट सिटी में शामिल है। बेहद चिंता की बात है, बेहद गंभीर बात है,
और दूसरे शब्दों में कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को एक बड़ा मौका दे दिया है इस तरह के वीडियो, इस तरह की तस्वीर लाकर। जो तस्वीर और वीडियो सामने आई है उससे विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला है। अब इस मौके को विपक्ष हथियार बना पाता है या वह केवल राजनीतिक लड़ाई में उलझा रहता है, क्योंकि नागरिक सेवाएं, सुविधाएं किसी भी शहर के आम नागरिक का अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। लेकिन जिस तरह से उपेक्षा की जाती है समस्याओं की, शिकायतों की, उनकी कहीं कोई क्रॉस मॉनिटरिंग नहीं होती है। मुख्यमंत्री का बार बार कहना कि शिकायतों, समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए, समाधान किया जाए, यह सिर्फ एक बयान भर लगता है, क्योंकि वास्तविक स्थिति यानी धरातल पर कहीं कुछ भी नजर नहीं आता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।